मॉर्निंग स्टूडेंट, तो सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 6 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस होती है। क्लियर हो गया? चैप्टर नंबर 1 का एक पार्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। सबसे पहले एडवांटेज है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये ऑब्जेक्टिव भी था कि अकाउंटिंग आपकी क्या करता है, क्या फायदा देता है, आपकी जो बिजनेस की ट्रांजेक्शंस होती है उनका कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, जिससे कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाए एंड अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाए। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी है। कौन से अकाउंट से देता है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से आपको पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता चल जाएगा। थर्ड जो फायदा देता है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, आपके बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है किससे पता चलती है, अर्लियर डिस्कस करा था हमने बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट से आपकी फर्म की बिजनेस की पोजीशन पता चल सकती है। ठीक, तो तीन फायदे हुए। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड दे रहा है, जैसे कैसे देना था आइडेंटिफिकेशन से रिकॉर्डिंग विद क्लासिफाइंग क्लियर समराइजिंग, प्रॉफिट एंड लॉस बता देता है, बैलेंस शीट से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता देता है, एंड देन फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अगर आपको अपनी फर्म का किसी और फर्म से जो आप ही के नेचर का बिजनेस करती है कंपेयर करना है तो कंपेयर भी करा जा सकता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। इन केस अगर आप अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तो अकाउंटिंग की वजह से कंपैरिजन भी आसान हो जाता है बिटवीन द टू फर्म हैविंग सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन। अकाउंटिंग के बेसिस पे जितने मैनेजर्स होते हैं वो बिजनेस के फ्यूचर्स के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए डिसीजन ले पाते हैं। अगर अकाउंट नहीं बना पाएंगे या अकाउंट नहीं बनाते हैं तो इन दैट केस आप फ्यूचर के लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे अच्छे से। तो अकाउंटिंग के बेसिस पे ही मैनेजर जो लोग होते हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फ्यूचर एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए डिसीजन ले पाते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जो बिजनेस करते हैं उनको गवर्नमेंट को टैक्स भी देने पड़ते हैं कुछ, जैसे इनकम टैक्स हो गया या जीएसटी अब चल रहा है जीएसटी हो गया, तो इनकम टैक्स देना है या जीएसटी देना है किस बेसिस पे दे पाएंगे? आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कि आपने कितनी सेल करी है, कितनी परचेज करी है, कितनी आपकी अर्निंग हुई है पूरे साल की, उसके बेसिस पे ही टैक्स जा पाता है। तो अगर अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी सेटल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सेटलमेंट भी हेल्प करती है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देन आता है फैसिलिटेट्स इन टेकिंग लोन। आपको कहीं से भी अपने बिजनेस के लिए लोन लेना है, भले बैंक से लीजिए भले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लीजिए, दोनों ही भले बैंक हो भले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, जो आपको लोन प्रोवाइड करेगा वो करेगा आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कि आपके पास रिकॉर्ड्स कैसे हैं, आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो आपको बैंक को अपना ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है। अगर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देंगे तभी वो आपको लोन देगा। अब अगर आप अकाउंट ही मेंटेन नहीं करते तो ना ही आपके पास ट्रेडिंग पीरियड होगा ना ही बैलेंस शीट होगा, तो इन दैट केस आपको लोन मिलने में डिफिकल्टीज हो सकती है, लोन मिलेगा ही नहीं। ठीक, तो बैंक और फाइनेंशियल लोन देते हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे देते हैं तो वो भी तभी मिलेगा। ठीक, एक फायदा और हो गया अकाउंटिंग का। अगर आप एक्ट एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इन केस अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी के साथ में, किसी क्रेडिटर्स के साथ हो जाए, कस्टमर के साथ हो जाए, तो आपके जो अकाउंट्स होते हैं वही आपका प्रूफ बनते हैं कोर्ट में एविडेंस कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? अगर आप अकाउंट मेंटेन नहीं करते होंगे तो आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो कल को कोर्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर हो गई इतनी बात? अगला, हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग एडरेंट फ्रॉड। जो अकाउंटिंग करता है उसे बोलते हैं अकाउंट क्लर्क, जो आपके अकाउंट रिकॉर्ड कर रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है उसे अकाउंट क्लर्क बोलते हैं। हो सकता है वो भी चोरी कर रहा हो, इसीलिए साल में एक बार हर बिजनेसमैन अपनी फर्म का ऑडिट करवाता है। ऑडिट के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपका जो क्लर्क है वो कोई एरर और फ्रॉड तो नहीं कर रहा, और कर रहा है तो पकड़ा जाएगा, तो ये भी फायदा हो गया। तो अकाउंटिंग की वजह से आपको 9 फायदे हो रहे टोटल में। सबसे पहला, आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस पर चल रहा है, आपकी बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पर चल रही है, आप अपनी फर्म का किसी भी फर्म से कंपैरिजन कर सकते हैं जो आपके नेचर का बिजनेस कर रही है, मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प हो जाती है फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने में आसानी हो जाती है, लोन लेने में बहुत फायदा मिलता है, आपको अगर कोई डिस्प्यूट है तो कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए कोई एविडेंस होना चाहिए, वो एविडेंस बन जाते हैं अकाउंट्स आपके। एंड नेक्स्ट, अगर कोई एरर या फ्रॉड कर रहा है आपको क्लर्क, तो वो भी पकड़ा जा सकता है।
कितनी बात क्लियर हो गई, टॉपिक क्लियर हो गया, थैंक यू।